संत गुरु रविदास जन्म उत्सव समिति की एक बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में आहूत की गई। श्री संत गुरु रविदास जन्म उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने रविदास जयंती को भव्य बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। बैठक में आने वाली मधु पूर्णिमा 27 फरवरी 2021 को संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जयंती पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा पर चर्चा की गई। बैठक में आए वक्ताओं ने रविदास जी की शोभा यात्रा को किस प्रकार से भव्य रूप दिया जाना चाहिए इस पर अपने अपने विचार रखे, जिसको लेकर बैठक में आए कार्यकर्ताओं को रविदास जयंती पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। एवं बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संत गुरु रविदास जी की विशाल शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसमें संत रविदास जी अंबेडकर एवं सामाजिक महापुरुषों की झांकी बैंड बाजों के साथ निकाली जाएंगी। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष डिंपल सागर तथा संचालन प्रांतीय महामंत्री ब्रज मोहन सिंह रवि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने किया। बैठक में ओम प्रकाश सागर, रामपाल सिंह, सरदार भगवान सिंह, गोपी सागर, हर्षरूप वर्मा, धर्मेंद्र नावेद राणा, मंगल सेन, राहुल भारती, उमेश वीर सिंह राणा, रविंद्र सिंह, प्यारे लाल सहगर, राजेश चौहान आदि लोग उपस्थित थे। आज जो कार्यक्रम है ये श्री संत गुरु रविदास जन्म समिति उत्तर प्रदेश की एक बैठक डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स मुरादाबाद में यहाँ सम्पन्न हो रही है। इसका जो हमारा कारण है, मुख्य जो उद्देश्य है समिति की बैठक का, कि आने वाली माघ की जो पूर्णिमा है 27 फरवरी को श्री संत रविदास जन्मोत्सव समिति की ओर से संत रविदास जी की एक विशाल शोभा यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज से निकाली जाती है। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम उसको विशाल रूप देना के लिए यहाँ आज बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे समिति जो संरक्षक हैं आदरणीय माननीय श्री श्री श्याम सिंह रवि जी पूर्व सांसद बिजनौर, उन्होंने भी हमसे ये कहा कि भाई आज आप बैठक करें और उसका जो लोगों से अपने जो विचार आए उनके आप उसमें आपस में डिस्कस करें और फिर अगली जो बैठक होगी उसमें सांसद जी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। बाकी आगे का जो कार्यक्रम है वो सांसद जी आपको खुद बताएंगे। बाकी आज की जो बैठक है, इस बैठक को ले ये है कि जो रविदास जयंती निकाली जाएगी उसमें हम लोग आपस में क्या एक विचार विमर्श करेंगे कि क्या उसको भव्य रूप देने के लिए क्या कर सकते हैं।